सब्सक्राइब करें जीत रंगोली यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे 14 अप्रैल के लिए कंपटीशन रंगोली। तो यहाँ पर 3 फीट का एक लाइनिंग लेना है, 3 फीट का जगह होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर एक साइड में एक पीकॉक बनाएंगे, सेंटर में बाबा साहेब के एक फेस बनाएंगे ब्लैक से, एक साइड में भारत रत्न का सिंबल बनाएंगे और नीचे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कहे एक कोट लिखेंगे। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक जो मैंने थोड़ा सा सर्कल हाफ सर्कल बनाया, ये 28 इंच है यानी 28 इंच यानी 36 इंच बाय 28 इंच। ठीक है, आपको सिंपल सा एक स्केच करना है ये पिकॉक रंगोली को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एक साइड में भारत रत्न के सिंबल, बीच में आपको एक बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सिंबल बनाना है। तो इसके लिए एक मैंने यहाँ पर येलो कलर लिया, उसके साइड में लाइट ऑरेंज कलर, फिर डार्क ऑरेंज कलर। आप चाहते ये सारे ब्लेंड करते जा सकते हो। फिर डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज को मिलाया और फिर डार्क ऑरेंज, और ये सारे छन्नी से कीजिए क्योंकि छन्नी से फास्ट काम होता है और हमें कंपटीशन के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो छन्नी से कीजिए, फिर लाइट ऑरेंज और रेड इनको भी मिलाना है। फिर जितना जगह बचा है यहाँ पर रेड फिल कर देना है। ठीक है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्केच है ब्लैक एंड वाइट में। तो आप इनका ये मोबाइल से देख के बना सकते हो या इनका पहले से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, गूगल में आपको ये फ़ोटो मिल जाएगा। तो जस्ट ब्लैक कलर से ही आप देखिए फ़ोटो में कहाँ कहाँ ब्लैक से कैसा शेप है, जस्ट वैसे बना लीजिए। तो आराम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो फेस है वो दिखने लगेगा। ठीक है, ये सुंदर से एक बाबा साहेब अम्बेडकर का फेस दिख रहे। ये होने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा काम करना है, बाकी तो सब इजी इजी है। जस्ट यहाँ पर एक इस प्रकार के सिंबल बनाना है भारत रत्न की, आपको ब्लैक से आउटलाइन देना है और इसके अंदर ग्रे कलर भरना है। ग्रे कलर मतलब आपको वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिलाना है तो ग्रे कलर बनेगा, वही ग्रे कलर आपको पूरा जगह फिल करना है। और ये सारे आउटलाइन हाथ से कीजिए, पर इसके जो कलर फिल करना है तो आप जो प्लास्टिक कलर छन्नी है उसमें आप वाइट कलर लीजिए, उसमें ब्लैक कलर मिलाइए तो ग्रे कलर होगा, और वो ग्रे कलर सभी जगह में फिल कर दीजिए। और जो सेंटर में जो जगह है राउंड है उसमें वाइट आएगा, तो वो वहाँ पर जैसे आप वाइट दिख रहे आपको वाइट कीजिए। इसके बाद फिर से आपको एक बार फिर से जो ब्लैक है उनको आउटलाइन कर लीजिए ताकि फ्रेश दिखे। और इसके नीचे में कोई भी कलर से लिखिए, कोई भी कलर मतलब यहाँ पर डार्क ऑरेंज से लिखिए कि भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न का जो सिंबल होता है यही हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है कि भारत रत्न। ओके, जस्ट ये जल्दी से फाइनल कीजिए भारत रत्न का सिंबल। जस्ट यहाँ पर हमें लिखना भी है, तो लिखने के लिए आप यहाँ पर पूरा जगह पे ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो या थोड़ा सा अलग अलग कलर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पहले पिंक दिया, लाइट डार्क पिंक, फिर डार्क पिंक और वायलेट कलर, फिर वायलेट कलर, फिर वायलेट कलर और डार्क ब्लू कलर, और फिर जितना जगह बचा यहाँ पर डार्क ब्लू कलर।
ठीक है, यदि आपके पास समय कम है तो पूरा आप ब्लू कलर ही फिल कीजिए, उसमें लिख लीजिए, पर जो हमारा रंगोली का जो मैसेज है वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी से लिखेंगे मराठी में, तुम्हें बागा सारखे वागा, तुम्हें बागा सारखे बना मंजे तुमच्या वाटायला कोणीही जाणार नाही। और नीचे में दूसरा कलर से लिख लीजिए डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। ठीक है, तो अगर मैंने लाइट ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। ठीक है, इतना आपको पहले करना है, फिर जितना जगह जितना समय बचेगा वहाँ कुछ समय के अंदर आप सिंपल में पीकॉक बनाइए और नीचे में कुछ संस्कार भारती के डिज़ाइन दीजिए, पर सेंटर में जो हमारा रंगोली कंपटीशन रंगोली का जो मैसेज है ये सेंटर वाला होना चाहिए। आप 36 इंच बाय 28 इंच का एक जगह लीजिए और उसके आधा भाग में जो हमने येलो कलर का शेडिंग दिया रेड तक के वो दीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्केच बनाइए वहाँ पर ब्लैक कलर से, एक साइड में भारत रत्न का सिंबल बनाइए, उसके बाद लिख लीजिए पहले आप जो भी कोड लिखना है, शिखा संघर्ष करा, संगठित हुआ संघर्ष करा, ये भी लिख सकते हो, या बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे आपको गूगल में, उससे आप कोई भी कोड लिखिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा कहे गए। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से आप सिंपल सा पिकॉक बनाइए, ठीक है, सरासरी आपको 1 घंटा मिलेगा कंपटीशन के लिए, तो 1 घंटे के अंदर ये सारे होना चाहिए। तो आपके पास ये सारे जो रंगोली आपके पास जो कलर आपको चाहिए वो सारे रेडी करना है कोई भी डिस्पोजल में या बोतल में, क्योंकि तो ऐसा ना हो कि समय पे रंगोली ना मिले, तो ये सारे आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बोतल है प्लास्टिक जो फेविकॉल का बोतल 10 रुपये वाला या ग्लू बोतल, ये आप रखिए, इससे काम आपका फास्ट होगा। छन्नी रखिए जिससे कलर फिल जल्दी हो। ठीक है, पीको को आउटलाइन कर लीजिए वाइट से, और यहाँ पर जो हमने भारत रत्न का सिंबल बनाए थे उसके नीचे में एक चक्र बनाएंगे अशोक चक्र, और फिर ये जो थोड़ा सा कर्व गया कर्व के साइड में आप गोपद्म बना दीजिए, गोपद्म या केंद्रावद्री बना सकते हो, पर ये गोपद्म बनाइए ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपको डॉट वगैरह बनाना नहीं बनाना है वो आपके पास समय देखिए कि आपके पास कितना समय बचेगा, तो वो समय के हिसाब से आप बाकी सारे डेकोरेशन डिज़ाइन कर सकते हो। ऊपर वाला जगह भी बचा है तो वहाँ पर भी आपको आउटलाइन करना है, तो यदि आपके हाथ से प्रैक्टिस है तो हाथ से कीजिए, हाथ से फास्ट होता है, या आप कोई टूल से कर सकते हो तो टूल से कीजिए या बोतल से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास यदि पट्टा का टूल नहीं है तो आप हाथ से बना लीजिए, डॉट बना लीजिए, लाइन बना लीजिए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जय भीम पहले से लिखना था, ये छूट गया था, तो आप पहले शुरुआत में जब ये स्केच बनाओगे बाबा साहब अम्बेडकर के तभी लिख लीजिए आप जय भीम, क्योंकि वहाँ जगह भी खाली था। तो ये बन के सुंदर सा एक सिंपल सा कंपटीशन स्पेशल रंगोली, तो आप 14 अप्रैल को ये ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सुंदर है रंगोली कंपटीशन के हिसाब से, मार्किंग भी कवर होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन का दबा के लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। ऑल द बेस्ट।